हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं करने वाला हूँ Q&A, जिसको दो महीने पहले आ जाना चाहिए था। आई एम वेरी लेट, बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी था, मैं बहुत बिजी था एंड या लेज़ी भी था। आई थिंक मैं दुनिया का सबसे लेज़ी यूट्यूबर हूँ, बट मैं दुनिया का सबसे केयरिंग यूट्यूबर भी हूँ। आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इस वीडियो को तो मैं मिस नहीं कर सकता था। आज होगा मेरा Q&A वीडियो। आप लोगों ने मुझसे बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, तो उसी का आज मैं आप लोगों का जवाब दूंगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे से जुड़ पाऊँ और मेरे बारे में आप लोगों को और बता पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है बाय मिस्टर विकास। ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ट्राइब एंड योर रीजनल लैंग्वेज, कैन यू प्लीज़ टॉक इन दैट लैंग्वेज। ओके, तो मैं बिलोंग करता हूँ आदि ट्राइब से और मैं अरुणाचल का रहने वाला हूँ। वैसे तो अरुणाचल में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, जैसे नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बट कॉमनली वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि सब लोग समझे, नागामीज़ यूज़ किया जाता है। वैसे ही अरुणाचल में अरुणाचली हिंदी बोली जाती है। और जहाँ तक मेरी लैंग्वेज की बात है, मैं थोड़ी देर में आप लोग को बोल के सुना दूंगा किसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए। और एक आदि का एग्जाम्पल आप लोग को दे देता हूँ, आया दुंगनम, विच मीन्स आई लव यू इन आदि। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस शर्मिला, As you travel a lot, how do you stay fit and energetic? मेरे फिटनेस और एनर्जी का सीक्रेट तो यही है कि मैं काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करता हूँ। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ मसल ब्लेस का पीनट बटर, और ये काफ़ी क्रंची और इसमें पीनट के पीसेस हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर ब्रेड पे लगाकर खाता हूँ, या फिर पीनट बटर बनाना शेक बनाकर पी लेता हूँ। और इस पीनट बटर का जो टेस्ट है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें मिलता है 37 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। और इसकी खास बात ये है कि ये बस दो इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, पीनट एंड वे प्रोटीन, जो इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लगा मुझे। ये 2.5 किलोग्राम का जार मैंने लिया है बस 1380 रुपये में, यानी कि 1380 रुपीज़ में आफ्टर डिस्काउंट बाय मसल ब्लेज वेबसाइट। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पीनट बटर यूज़ करते हैं, तो ये बड़ा वाला पैक आपके लिए बेस्ट रहेगा। ही प्रोडक्ट सिंह लोग लगा पर गाय आलो दूँ, डिस्क्रिप्शन लो गिला नोलो हिम प्रोडक्ट एम रिलाए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड Lensing30 टू गेट 30% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। अभी हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है मिस्टर कमल ने कि जब लोग आपके टैटू के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं, तब आपको कैसा लगता है। तो ऑनेस्टली बताऊं तो बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं मानता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हूं। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज मेरे 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स नहीं होते। आप लोगों को उसके लिए दिल से शुक्रिया। बट कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बंदे को बाइक चलाने का शौक है, तो मैं उस बंदे को जाके नहीं बोल सकता कि आप बाइक मत चलाओ, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल लाइफ है, उसका इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको बाइक चलानी है कि नहीं। उसी तरीके से चाहे कोई बंदा फेमस हो या फिर इनफेमस हो, अगर वो इन्फ्लुएंसर हो या नहीं भी हो, तब भी पर्टिकुलरली उस बंदे का राइट है कि वो अपने लाइफ को कैसे जीना चाहता है। तो मैं यही बोलूँगा, तो भाई इट्स फाइन, मतलब ठीक है, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, इट्स फाइन। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. So the fourth question is, if you could try out any job for a day, what would you try? So agar mujhe ek din koi bhi job karne ko milega, to main ek din ke liye CM agar mujhe bana diya jayega, तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने स्टेट के लिए। हैशटैग इंस्पायर्ड बाय नायक मूवी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट हिलेरियस मोमेंट व्हेन यू आर विथ मोनू। ओके, तो मोनू के साथ हिलेरियस मोमेंट तो वो बंदा मतलब रियल लाइफ भी जीता है, बट रियल लाइफ से ज़्यादा वो रियल लाइफ में घुसा हुआ है, मतलब हर वक्त आपको उसके हाथ में फ़ोन दिखाई देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे ही बैठ रहे होते हैं, रेडी नहीं होते हैं, तब भी मतलब वो कैमरा लेके कभी भी आ जाता है, तब इट मेक्स अस अनकम्फर्टेबल समटाइम्स, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है और बहुत मज़ा आता है उसके साथ रहने में। आप लोग भी अगर उसके साथ रहोगे और बातें शातें करोगे, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो वही है हिलेरियस मोमेंट, तो वही है, कभी भी कैमरा लेके सामने आ जाता है तब हम ऐसा हो जाते हैं, वही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन एंड वुड यू डू इट अगेन। तो क्रेजिएस्ट थिंग जो मैंने किया है, जब मैं तूतिंग जाने वाला था, तो उस रात को रास्ता ब्लॉक था, तो रास्ता ब्लॉक होने के कारण मैं आगे नहीं जा पाया, तब मैं वहीं पे टेंट सेटअप करके सो गया था। तो अब की बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत रिस्क है और जान है तो जहान है, तो ऐसा रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए कभी भी दोबारा। आपको प्लानिंग के साथ सब कुछ करना चाहिए, अगर आप टेंट भी सेटअप करके सोते हो तो भी। तो वही है, नेक्स्ट टाइम प्लान के साथ सब कुछ करेंगे, और मैं दोबारा वो काम तो बिल्कुल नहीं करने वाला। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब लोग तो जैसा मुझे वीडियो में सोचते हैं, जैसा अपने में इमेजिन कर लेते हैं, वैसा ही हूँ मैं।
बट वही है कि जब से मैंने टैटू लगाया है और बाल को जब कलर किया था तब से लोग बहुत ही जजमेंटल हो गए थे कि एनसिंग तुम चेंज हो रहे हो। ऐसा नहीं होता, अगर कोई बंदा बाल को कलर करवाना चाह रहा है तो वो क्यों करवाना नहीं, क्यों नहीं करवाएगा, या फिर वो टैटू मरवाना चाह रहा है तो क्यों नहीं टैटू लगवाएगा। तो उसी तरीके से टैटू एंड योर हेयर कलर डजंट डिफाइन अ पर्सन। मैंने लाइफ में ऐसे भी लोग देखे जो दिखने में थोड़ा शरीफ होते हैं बट अंदर से हरामी होते हैं, तो मेरे ख्याल से अपीयरेंस से किसी को भी जज नहीं किया जाना चाहिए। मैंने टैटू लगाया, बाल कलर किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं चेंज हो रहा हूँ। मैं पहले जैसा लेंजिंग था मैं आज भी वैसा ही लेंजिंग हूँ, चाहे मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो जाए, चाहे मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेमस सेलिब्रिटी भी क्यों ना बन जाऊँ, मैं आज जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द हार्डेस्ट थिंग विल बी अबाउट बिकमिंग अ यूट्यूबर। ओके, तो यूट्यूबर का लाइफ तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। सबसे पहले तो आपको कंटेंट के बारे सोचते रहना पड़ेगा कि आप कौन सा कंटेंट लेके आओ ताकि आपके जो ऑडियंस है वो आपसे बोर ना हो, उसके बाद आपसे एंटरटेन रहे हमेशा, तो कंटेंट के बारे में सोचता रहना पड़ता है। एंड द सेकंड थिंग इज जब आपके ऑडियंस ज़्यादा हो जाते हैं तब हर चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ भी पॉलिटिकल इशू हो गया या फिर रिलीजियस इशू हो गया, कुछ भी चीज़ इशू हो गया, कुछ नया बिल आ गया, कुछ भी हो गया, तो सभी को मतलब हम यूट्यूबर्स के ऊपर ही थोप देते हैं लोग कि आप इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। मतलब कुछ कुछ होता है ना, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ों में हम अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि मुझे उस बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं भी होता होगा इसलिए मैं शायद उस बारे में नहीं बोल रहा हूँगा, या फिर मुझे वो चीज़ सही लग रहा होगा या फिर मुझे गलत लग रहा होगा। तो कुछ कुछ चीज़ होती है जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, तो लोग प्रेशराइज़ करते हैं कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, आपने तो इसके ऊपर बोला था, इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे, दिस एंड डैट। तो ये वाला प्रेशर हम यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे बुरा लगता है इस चीज़ में भी, क्योंकि एज अ यूट्यूबर हमारा कंटेंट यही होता है कि हम आपके लिए व्लॉग्स बनाएं। मैं तो स्पेशली गाना भी गाता हूँ तो आपके लिए गाना लेके आऊँ, तो मैं इसी चीज़ में फोकस करना चाहता हूँ, ना कि पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू में फोकस करना चाहता हूँ। बट जिस दिन मुझे ज़रूरत लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए इस चीज़ में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, तब तो मैं ज़रूर बोलूँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बस वही कि हर इशू के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम भी आखिर एक सिटीज़न ही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोल दें वो फ्यूचर में हम पे अफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर मेट समवन फेमस। तो गाइस जब भी मैं सुबह उठता हूँ और आईने में देखता हूँ तो मैं एक बहुत ही फेमस इंसान को देखता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ, तो एक बार जब मैं रास्ते में जा रहा था तब रंगून मूवी की शूटिंग हो रही थी, तो उसके लिए इंस्पेक्शन कर रहे थे कुछ CRP के जवान, और साथ में बीच में एक बंदा चल रहा था साथ में, वो भी देखने में CRP की तरह ही लग रहा था। तो मैंने उस बंदे को ध्यान से देखा और मुझे लगा कि मैं इसको पहचानता हूँ, मैंने कहीं तो देखा है, तब बाद में पता चला कि ही वॉज सैफ अली खान, तो मैं सैफ अली खान से मिला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, मुझसे पूछा है किसी ने कि व्हेन विल यू गेट मैरिड। तो शादी मैं तब करूँगा, अभी मान लीजिए कि बहुत लोग मुझे पसंद, बहुत लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, मतलब कुछ कुछ लड़कियां मुझे पसंद करती है, तो जो मुझे पसंद करती है जब उन सब की शादी हो जाएगी तब मैं भी शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। कैसा लगा मेरा, समझा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी फेमस लोगों की तरह आप में एटीट्यूड क्यों नहीं है। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूंगा, थैंक यू सो मच। तो मेरे हिसाब में जो फेमस लोग होते हैं वो लोग इमेजिनरी लाइफ में जीते हैं, उनको लोगों से इतना भाव मिलता है, लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो लोग प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम भी इसी सोसाइटी के सिटीजन हैं, और मुझे तो सोसाइटी के साथ घुल मिल के रहने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी एटीट्यूड होना चाहिए, अगर वो बंदा भले ही कितना भी फेमस हो जाओ। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंजिंग आर यू सिंगल। यस आई एम सिंगल। व्हाट इंस्पायर्स यू हेल्पिंग द पीपल इन नीड। ओके, तो गाइस जैसा कि मैं अपने लॉन्गलैंग वाले वीडियो में भी बोला था, ये डायलॉग फेमस डायलॉग बोला था जो स्पाइडरमैन मूवी का है, कि कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे भगवान ने एक यूट्यूबर बनाया है जिसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं अभी फ़िलहाल, तो मेरे पास ये पावर तो है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ आप लोगों के थ्रू। तो अगर भगवान ने मुझे ये पावर दिया ही है तो क्यों ना मैं लोगों की मदद करूँ, अगर मैं ज़रूरतमंद की मदद नहीं करूँगा तो मेरा इतना फॉलोवर्स होने का क्या फ़ायदा, तो इसीलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ और अच्छा लगता है मदद करके, बहुत अच्छा लगता है। आपने अभी तक लाइफ में किसी की मदद नहीं की और अगर आप किसी की मदद करोगे तो एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। लेंजिंग व्हाट इज़ योर डार्केस्ट सीक्रेट। ओके, तो गाइस डार्केस्ट सीक्रेट ऐसा तो बोल के तो नहीं है, मेरा ना मतलब एक चीज़ ख़राब ही है, जब भी मैं किसी बहुत प्रॉब्लम में होता हूँ या फिर बहुत कुछ मेरे साथ गलत हुआ होता है तो मैं किसी को शेयर नहीं करता, वो एक बहुत ही ख़राब आदत है, तो आप लोगों से भी शेयर नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। वेयर डू यू वॉन्ट टू विजिट इन इंडिया। तो गाइस मैं अपने प्लान्स बता देता हूँ आप लोगों को कि इस विंटर में मैं प्लान कर रहा हूँ
केदारनाथ, लद्दाख और स्पीति वैली, स्पीति, इन तीनों जगहों को कवर करने की प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे इंडिया में इन जगहों में विजिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई बट हैव बीन टू स्केट टू? ओके, तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता सिवाय मरने के। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिड एनी गर्ल एवर प्रपोज टू यू? ओके, तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि किसी ने भी आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती है कि वो आपको दिखाएंगी कि वो आपको पसंद करती तो है, बट कभी भी आगे आपको अप्रोच नहीं करेगी, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, मुझसे शादी कर लो, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगी। तो किसी भी लड़की ने आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको नागालैंड में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो आप क्या परफॉर्म करोगे? तो 100% करूँगा, 100% करूँगा। कोई बुलाए तो मैं, अगर कोई बुलाएगा, कोई ऑर्गेनाइजर बुलाएगा, तो मैं 100% परफॉर्म करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैव यू लर्न्ड इन लाइफ अंटिल नाउ एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दोस टीम हु आर गिविंग अप ऑन देयर ड्रीम्स इवन बिफोर ट्राइंग? तो हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है कि लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। और मैंने लाइफ में क्या सीखा है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो मैंने लाइफ में यही सीखा है कि चाहे कोई कुछ भी बोलो, आगे बढ़ते जाओ, ना आगे बढ़ते जाओ। एंड आई फॉरगॉट बाई सीइंग दोज ब्यूटीफुल प्रिटी लेडीज, आई फॉरगॉट। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे हैं, तो मेरा आँख इधर उधर घूम रहा है, तो मैं अपने इस व्लॉग से भटक रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने लाइफ में अभी तक यही सीखा है कि आप ज़्यादा लाइफ में एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुद के ऊपर खुद से काम करो और मेहनत करते जाओ। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आप एक दिन लूज हो जाओगे, मतलब आप इमोशनली ब्रेक हो सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अपने काम में फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ, यही मैं बोलना चाहूँगा। और जो लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोशिश करने से पहले ही हार मान गए तब बाद में आप रिग्रेट कर सकते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप रिग्रेट ना करें तो एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, अगर फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिला तो वो किस्मत पे लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ज़रूर मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा किसी भी फील्ड में। माय लेग्स आर टू थिन, आई हैव टू हाइड माय लेग्स, पीपल आर वॉचिंग मी, मेरे पतले पतले पैर को छुपाया जाए। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गॉट टू नो दैट यू वर अ टीचर, सो व्हाट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन, टीचिंग, ब्लॉगिंग और सिंगिंग? ओके, तो सबसे पहले टीचिंग तो मैंने इसलिए किया था, मतलब इसलिए मैंने बीएड किया था क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने बीएड किया था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे टीचर बनना है, बट स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उनके साथ इंटरेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है, वो अलग बात है। बट टीचिंग को तो मैं साइड ही रखूँगा। और जहाँ तक ब्लॉगिंग की बात है, मैं ब्लॉगिंग इसलिए करता हूँ, पहले तो मैं अपने लिए करता था ताकि लोग मुझे थोड़ा बहुत जाने और अरुणाचल के बारे में जाने, अरुणाचल का प्रमोशन हो, मेरा प्रमोशन हो, इसलिए करता था। बट धीरे धीरे मैं ब्लॉगिंग जो है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों से जो मेरा कनेक्शन है, प्यार है, वो मैं कंटिन्यू बरकरार रख पाऊँ, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। एंड जहाँ तक सिंगिंग की बात है, वो मेरा एक हॉबी है, मेरा एक पैशन है जो मुझे करना अच्छा लगता है। और मैं इस फील्ड के लिए, सिंगिंग के फील्ड के लिए, मैं बहुत स्ट्रगल नहीं करूँगा कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बॉलीवुड में जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आप लोगों के लिए गाना गाता रहूँगा, क्योंकि मुझे बस गाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है गाना, इसलिए मैं गाता हूँ। और ब्लॉगिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ और आप लोगों से प्यार ले पाऊँ और दे पाऊँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यू विल गो फॉर लव मैरिज और अरेंज मैरिज? डेफिनेटली, ऑब्वियसली लव मैरिज, अरेंज मैरिज मुझसे नहीं होगा, बाद में प्यार नहीं हो पाया तो। और गाइस, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप YouTube से कितना कमाते हो? तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, मेरी जो अर्निंग है उस हिसाब से मैं एक महीने में एक iPhone 12 Pro Max खरीद सकता हूं, तो इतना मेरा अर्निंग है। तो गाइस, आज मैं इस जगह पे, इस लोकेशन पे इसलिए मैंने Q&A वीडियो शूट किया, क्योंकि जो अरुणाचल की खूबसूरती है, जो मेरे पासेगा टाउन की खूबसूरती है, मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो दिस रिवर इज़ कॉल्ड सियांग रिवर, और ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो अरुणाचल प्लीज़ ज़रूर घूमने आना। एंड वो अलग बात है कि कुछ लोग जगह को गंदा करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं, बैठने आते हैं, अपने बॉटल्स, बियर बॉटल्स, बियर कैन, चिप्स पैकेट, कुछ भी हो, यहाँ पे फेंक के ना जाए, अपने साथ प्लास्टिक में बांध के ले जाए और घर में डस्टबिन में रखे। और नेक्स्ट डे जब स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया तुमने आएगा, तब उसमें डंप कर दे उस गाड़ी में। तो मैं सभी से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड कीप योर प्लेस क्लीन। आप जितना साफ से रहोगे उतना आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। वो अलग बात है कि मेरा रूम जो है बहुत गंदा है,
बट मैं साफ़ कर लूँगा। तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। मैं नेक्स्ट महीने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा। शायद मैं ट्रैवल व्लॉगिंग फिर से शुरू कर दूँगा, दूसरे स्टेट्स में घूमूंगा और अरुणाचल के मेन प्लेसेस में मैं फिर से विंटर में ट्रैवल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी विंटर के दौरान, यहाँ पर अभी मानसून सीज़न के दौरान, समर सीज़न के दौरान ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आप सभी को भी यही गुजारिश करूँगा कि अभी के टाइम में अरुणाचल के पहाड़ इलाकों में तो स्पेशली घूमने के लिए ना जाएं, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड होता है तब आप फंस सकते हो। तो विंटर में घूमने आइए अरुणाचल, मैं भी आप लोगों को विंटर में अपने व्लॉग्स के थ्रू अरुणाचल घुमाऊंगा और नेक्स्ट महीने में मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा, डिफरेंट स्टेट्स में घूमूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सीरीज़ भी आप सभी को पसंद आएगा। तो कैसे इसके साथ मेरे आज का व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।